हम तो आ जाएंगे एनीवेज। चलिए स्टार्ट कर दूं। नमस्कार, आज हम अपने लेक्चर में नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने नेस्टेड इफ भी देखा था कि क्या होता है ना, उसी प्रकार नेस्टेड फॉर लूप होता है। नेस्टेड फॉर लूप का अर्थ क्या है? जैसे अपन ने फॉर लूप लिखा, कोई कुड बी एनीथिंग, ठीक है, ये मेरा एक फॉर लूप शुरू हुआ। एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को काम लेना, ये मेरा दूसरे फॉर लूप और फिर ये मेरा पहला वाला फॉर लूप बंद हो गया। नेस्टेड, नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को काम में लेना, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। ये क्या हो जाएगा मेरा? नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। अब ये कहाँ काम आता है? अब अपन बना दें एक छोटा सा प्रोग्राम, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये कैसे काम में आता है। सो अपना जो प्रोग्राम है ना, जो अपन को अपना प्रोग्राम क्या है, मैं एक पैटर्न दे रही हूँ, वो पैटर्न अपन को प्रिंट कराना है। वो पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न ये होगा, स्टार ठीक है, ये एक पैटर्न दिया मैंने, है ना, स्टार है ये, स्टार से मेरे को ये प्रिंट कराना है, ठीक है। अब इसके लिए अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और यहीं पे प्रोग्राम लिख देती हूँ, ठीक है। सो इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए जो प्रोग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, हैश, ये तो अपनी हो गई हेडर फाइल, ठीक है, फिर अपना मेन, ये मेरा मेन शुरू हुआ। अब मुझे क्या करना है, देखो अब इसमें मुझे दो वेरिएबल्स और दो लूप लगेंगे, ठीक है। एक जो लूप पे वो किसको कंट्रोल करेगा, इस चीज को, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना इनको, और एक लूप किसको कंट्रोल करेगा, जो मेरी ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स चाहिए मेरे को, इंटीजर आई कॉमा जे नाम से वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। फॉर लूप लगाया मैंने, फॉर आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप शुरू हुआ। इस फॉर लूप के अंदर में मैंने एक और फॉर लूप लगाया, j इज इक्वल्स टू वन, और कंडीशन क्या है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस, ये फॉर लूप शुरू हुआ। और इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ स्टार, स्टार प्रिंट करना है। फिर देखो अब ये वाला जो फॉर लूप है ना अंदर वाला, इसको मैंने खत्म किया, खत्म करने के बाद मैंने एक और प्रिंट एफ लिखा और इसमें मैंने क्या डाला, बैक स्लैश एन यानी नई लाइन, ये दूसरा वाला फॉर लूप खत्म हुआ और ये मेरा खत्म हो गया मेन, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि ये किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि नेस्टेड फॉर लूप किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले यहां से क्या हुआ, एंटर हुआ, एंटर होके हम कहां पहुंचे, यहां पे आई का मान कितना हो गया मेरे पास में, वन, आई का मान वन है और वन पांच से छोटा है। ये पांच क्यों लिया मैंने, ये पांच लिया मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए, कितनी बार कितनी लाइनें आ रही है, एक दो तीन चार, लेस देन पांच का मतलब क्या हो गया, चार ही हो गया। अगर मेरे को इसको यहाँ चार लिखना होता तो मैं क्या करती, लेस देन इक्वल्स टू चार लिखती, ठीक है। तो
तो यानी 4 के बराबर, तो भी ये 1 से 4 तक लूप चलेगा। अगर मैं सिर्फ लेस देन 5 लिख देती हूँ तो भी वो 4 बार ही लूप चलेगा। लेस देन 5 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। सो आई का मान 1 है और 1 4 से छोटा है, तो अपन इसके अंदर आ गए। आगे अंदर आते ही अपने को एक और लूप मिल गया। अब पहले ये लूप रन होगा, हमेशा पहले अंदर वाला लूप खत्म होगा उसके बाद बाहर वाला लूप चलेगा। इसके अंदर आए, जे का मान कितना है मेरे पास में, 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई का मान कितना है, देखो आई का मान अपन जब अंदर आए तब कितना था, 1 था ना, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, सही है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। बराबर है तो मेरे को क्या करना है, प्रिंट एफ स्टार। तो मैंने क्या किया, स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहां आई, यहां आती मेरा क्या हुआ, यहां देखो जे प्लस प्लस, यानी जे का मान कितना हो गया मेरे पास में, 2 हो गया। फिर मैंने कंडीशन चेक की, 2 इज लेस देन, देखो मेरा जे का मान तो बदला लेकिन आई का मान मेरा बदला नहीं है। आई का मान कब बदलेगा, जब मैं इस वाले पे आऊंगी, पर अभी तक तो हम यहां पहुंचे ही नहीं, हम तो यही है अभी, तो यानी मेरा आई का मान क्या चल रहा है अभी तक, 1 ही है। फिर से समझिएगा, आई का मान कब बदलेगा, जब ये वाला फॉर लूप है ना, ये वाला बॉक्स, जब मेरा कंट्रोल कंपाइलर का यहां पहुंचेगा तब मेरा आई का मान क्या बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। लेकिन अभी मेरा कंट्रोल कहाँ है, हम यहां पहुंचे, यहां पहुंच के हमने जे को 1 से बढ़ाया है, जे का मान तो 2 हो गया लेकिन आई का मान वही है जो अपन स्टार्टिंग में लेकर चले थे, यानी आई का मान कितना है, 1। अब क्या जे का मान आई से छोटा है, नहीं है, जे का मान बड़ा हो गया, जे का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो फिर अब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं होगी तो अपन कहाँ आएंगे, इस लूप के बाहर, यहाँ इस लूप में क्या बोल रहे हैं वो, प्रिंट एफ न्यू लाइन, बैकस्लेशन मतलब नई लाइन, यानी अब हम कहाँ आ गए, यहाँ उस लाइन को छोड़ के अपन अगली लाइन में आ गए। अब अपन कहाँ पहुंचे, यहाँ। अब जैसे यहाँ पहुंचेंगे ना तब अपना आई का मान किससे बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, और इस बार आई का मान कितना होगा मेरे पास में, 2, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, सही है, छोटा है, तो अपन वापस अंदर आ गए। अब जैसे ही ये लूप वापस शुरू हुआ, देखो ये लूप एक बार खत्म हो गया था, अब ये लूप वापस शुरू हो रहा है, जैसे ही वापस शुरू होगा तो जे का मान वापस क्या आएगा, 1। जे का मान 1 आ गया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, आई का मान कितना आ गया अपने पास में, 2। तो प्रिंट एफ क्या करना है मेरे को, स्टार। तो नई लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास में, स्टार। मैं यहां वाले लूप के पास पहुंचूंगी तो जे का मान 1 बढ़ जाएगा, अब की बार जे का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये भी सही है, सही है। तो वापस हम इसके अंदर आएंगे और हम एक स्टार को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहां आएंगे, अब जे का मान कितना हो गया, 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये चीज क्या हो गई अपनी, गलत हो गई। गलत होते ही अपन इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कहां पहुंचेंगे, यहां। यहां क्या कह रहा है, नई लाइन में आ जाओ, आगे नई लाइन में। अब यहां पे, यहां पे क्या होगा, मेरा आई का मान चेंज होके कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आई का मान 3 लेकर अब अपन वापस इस लूप के अंदर जाएंगे। जब ये लूप एक बार खत्म हो गया, क्योंकि देखो ये लूप यहाँ खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हर बार ये वापस नया शुरू हो रहा है, इस वजह से इस जे का मान हर बार 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। अगर ये खत्म नहीं होता और अपन बिना खत्म के आगे बढ़ते तो जे का मान वापस इनिशियलाइज नहीं होता, लेकिन ये अपन पूरा फिनिश करके जा रहे तो जे का मान कितना आया, 1, तो ये गिनती वापस यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आई का मान 3 है और जे का मान पहले से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ठीक है। जे का मान कितना होगा, 1, ट्रू है। यहां आएंगे, जे का मान कितना हो जाएगा, 2, ट्रू है। फिर वापस यहां आएंगे, जे का मान कितना हो जाएगा, 3, वो भी ट्रू है, 3 3 के बराबर है, ठीक है। फिर जे का मान कितना हो जाएगा, 4, गलत हो गया, गलत मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई मैं यहां से बाहर निकलूंगी, बाहर निकल के मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, न्यू लाइन में जाने का।
अपन कहाँ पहुंच गए, नई लाइन में पहुंच गए, नई लाइन में पहुंच के अपन यहाँ आए, तो अपना आई का मान क्या बदल गया, अब आई का मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, चार, चार चार से छोटा नहीं है लेकिन चार चार के बराबर है, यानी अभी भी ये कंडीशन ट्रू चल रही है। तो अपन वापस इसमें जाएंगे, वापस जाएंगे तो वापस में क्या होगा, वापसी किस प्रकार होगी, वापसी में सारी चीजें वही आएगी, जे का मान कितना हो गया वन लेस देन इक्वल्स टू आई का मान कितना है अपने पास में अभी, चार, सही है ये कंडीशन, तो एक स्टार को प्रिंट कर दिया। फिर यहां पे आए, जे का मान कितना हो गया, दो हो गया, ये दो के लिए वापस अंदर जाएगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ जे का मान कितना होगा, तीन और चार, हर बार के लिए ये क्या करेगा, चार तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही मेरा जे का मान क्या होता है, पांच होता है, यहाँ पे पांच, पांच चार से छोटा नहीं है ना ही चार के बराबर है, तो मेरा ये वाला जो लूप है वो खत्म हो जाएगा। ये लूप खत्म होती मैं क्या बोल रही हूँ, आप अगली लाइन में आ जाओ, अगली लाइन में आ गए, अब अपन यहाँ आएंगे, यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा इस बार, पांच। जैसे ही आई का मान पांच होता है, फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, ये कंडीशन अपने यहाँ क्या हो गई, गलत हो गई। जैसे ही ये कंडीशन गलत हुई, अपन इस पूरे ब्लॉक से बाहर निकल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा मेरा मेन खत्म हो रहा है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाएगा और मेरे आउटपुट पर ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, ये अपना क्या है, नेस्टेड फॉर लूप है, ओके। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में अपन व्हाइल और डू व्हाइल क्या होते हैं उसको समझेंगे, ओके। मैं एक बार उसको स्टॉप कर देती हूँ।